हमारा दिलबर है। हेलो दिलबर, कैसे हो बेटा? ठीक हो सुनने हैं? ठीक हो? ये देखें गाइस, दिलबर की ना तबीयत थोड़ी ऑफ थी, तो इसलिए मैंने कल इसको बंद कर दिया था केज में। केज में बंद करने की वजह गाइस ये है क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार ये ना कभी उड़ के इधर बैठ रहा है, कभी उधर बैठ रहा है, मतलब पूरे मास्टर केज के अंदर ये घूम रहा है, तो कहीं इसे इसका इन्फेक्शन बाकियों की तरफ ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो इसलिए बेटा इधर आ जाओ ना, उधर कैमरा कैमरे के आगे आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो बस अच्छा एक मिनट, तो मुझे था कि यार इसका इन्फेक्शन दूसरों में ना चला जाए, तो इससे अच्छा इसको ना हम कर देते हैं बंद। तो कल मैं इसको बंद करके ही गया था और मुझे लग रहा था कि मेरे पास मेडिसिन पड़ी हुई है, टाइलोफर्सन और स्मार्टर, वो चाहिए हमें 7 दिन के लिए। 7 दिन का इसको कोर्स करवाना है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने की वजह से सब बच्चों के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन आ सकता है। तो गाइस अब सीन ये करना है, कल सबसे पहले हमने लेके आना है मेडिसिन, लेके आनी है टाइलोफर्सन स्मार्टर्स, वो हमने ऊपर वाले बच्चों को भी कोर्स करवाना है, नीचे वाले सब बच्चों को भी कोर्स करवाना है। तो गाइस आज मेरे पास वो नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना होने से बेहतर हम ऐसे करते हैं कालपोल लेके चलते हैं। ये अच्छे वाला कालपोल है। ये मेरा बेटा वैसी भी आ गया है। वैसी ये लो बेटा, आप इसको अपने कंधे पर बैठा लो। ये लो बेटा, ये आपके साथ खेलेगा। ओके जाओ, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, इसे जाओ बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ, ले जाओ इसे। अभी मैं दोबारा ले आऊँगा, एक मिनट मैं खोलता हूँ। चलो ले जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अच्छा हम ना छुप के देखते हैं क्या करते हैं। अब ना उतारने की कोशिश कर रहे। जैकू आजा बच्चे, आजा 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 जैकू, आजा ना, आ गए। अब ले जाओ इसको, मैं ले जाओ कि यहाँ पर रखना है इसको, इधर छोड़ दूँ। जैकू बस ही कह रहा है यार आप इधर रुको, अभी ना मैं पहले अंदर खाना दे फिर अंदर छोड़। ये बस अपनी लड़ाई स्टार्ट हो गया यार, बस ही मेरे से लड़ रहा है ये। आ जाओ जैकू। अच्छा एक मिनट जैकू, लड़ो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप ना वसी के पास जाओ, इधर खेलो, तो मैं आ रहा हूँ। वैसे आप इसके साथ खेलो, अभी मैं आके इसको ले जाता हूँ। ओके वैसी गुड, वैसी ओके ओके। गाइस हम चलते हैं जाके मास्टर केज के अंदर, ये मेडिसिन देते हैं, फिर आके अभी हमने रहमान का भी घर सही करना है। वहाँ से इसको बुलाऊँ, आजा आजा जैकू, जैकू ओ जैकू आने लगा, लेकिन आगे दरवाज़ा होने की वजह से वो वापस चला गया। किधर गया जैकू? वो चला गया। वसी अब इसको, इसका ध्यान रखो, ठीक है इसका ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ। इससे ना मैंने वसी के पास इसलिए इसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे मास्टर केज के अंदर थोड़ा काम करना है। वसी वो देखे कितना चढ़ रहा है, वो देखे गाइस ऊपर चढ़ गया, इसका ध्यान है कि मैं ऊपर ही चला गया। तो गाइस मास्टर केज के अंदर मुझे काम है, मैंने मेडिसिन देनी है और बाकी बच्चों को भी दाना पानी देना है। तो वसी अगर इधर होगा ना तो वो मुझे कुछ करने नहीं देगा, तो इसलिए वसी जैक के पास जाओ, जाओ जैक के पास। नहीं 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 नहीं, जैक चला जाएगा, भाग जाएगा, पको 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 पको, जैक के पास जाओ जल्दी। देखा बसी की बात कर रहे थे, वो आ गया, उसको दरवाज़ा भी खोलना था। मसला ये है गाइस, अब मैं एक मिनट लॉक कर देते हैं। अच्छा लॉक कर दिया, आ गया वापस। अब जल्दी से इसको देते हैं मेडिसिन। है जो बच्चे, ये देखिए गाइस हमारे डायमंड, अब वो निकल गया, जो न्यू डायमंड अब आए थे वो माशाल्लाह ये घूम रही है। हेलो बच्चों कैसे हो, ठीक हो? अच्छा गाइस सबसे पहले इसको मेडिसिन देते हैं, ज़्यादा काम तो नहीं करना। अच्छा गाइस एक और मसला है, इसका हमने एक अच्छा सा सेटअप लगाना था ताकि ये आराम से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, तो वो मैंने नहीं लगाया। गाइस कल हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, मतलब सब बच्चों को दाना पानी तो देना है, ऊपर वालों को खाना शाना देना, लेकिन कल हमारे पास कोई काम नहीं है। कल हमने
इस बच्चे का मास्टर केज के अंदर कोई ऐसा सिस्टम लगाना है कि बाकी बच्चे इसको तंग ना कर सकें, ये अकेली ही अकेला या अकेली आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करे। मतलब सबको ये देखे दुखे पिंजरा मेन ले आएंगे, कोई ऐसा सिस्टम लगा देंगे जिसको बंद कर देंगे कि बाकी बच्चे इसको डिस्टर्ब ना कर सकें। और ये भी ये देखें ना कितनी टेंशन में। और फिर इसको करने के बाद मास्टर केज को भी थोड़ा टाइम देंगे, मास्टर केज के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, चेंज मीन्स के फाई करते हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो जो हमने करना है वो करते हैं। एज वो देखें हमारी जंगली डव। हेलो डव। हेलो बच्चे, सॉरी बच्चे मैं बाकी बातें करी जा रहा हूँ, आपको मेडिसिन दे ही नहीं रहा, अब मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। सबसे पहले इसका ये निकाल लेते हैं, बस इसमें हमने थोड़ी सी मिक्स कर देनी है ताकि ये पानी पिए और ये थोड़ा फ्रेश फील करे। नहीं डाल लिया, अब ये थोड़ा सा ना अंदर है, ये बाकी बच्चों को बाहर वाले पानी में डाल देते हैं ताकि बाकी बच्चों को भी अगर कोई मसला है तो कल तक बस ये गुजारा करें, कल हम वैसे भी इनका पानी ले आएंगे। मतलब इनकी वो जो मेडिसिन है एलोपर्सन और स्मस्टर्स वो ले आएंगे, कल जब वो वाला पानी पियेंगे तो ये फिर मतलब इनका 7 दिन का वो कोर्स हम करवाएँगे। हेलो बच्चे, ये लो तुम्हारा पानी आ गया, तुम ये पियो और थोड़ा फ्रेश फील करो। अगर इसकी बॉडी में कोई टेंशन होगी गाइस, कोई मसला होगा, वो इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा इसको। ये रख दिया, ये लो चलो जाओ वो पानी पी लो, जाओ पानी पियो, थोड़ा सा पी लो, ये चला गया, पी लो पी लो पी लो पी लो ना। अच्छा गाइस इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, इसको प्यास लगेगी ऑब्वियसली, इसने पानी पीना ही पीना है, तो फिलहाल हम बाकी बच्चों को देते हैं। ये देखें माशाल्लाह ये एक न्यू डव आई थी। हेलो नई डव, कैसी हो, ठीक हो बेटा, कितनी क्यूट है गाइस। अभी हमने डव्स और लेके आनी है मास्टर केज के अंदर, ज़्यादा सी डव हमने कर देनी है। अच्छा अब इनको ये जो बच गए ये दे देते हैं पानी, इसका भी चेंज कर देते हैं, साफ पानी डाल देते हैं। सी किधर है जैक, किधर है, किधर है वे जैक को, आजा 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 जैक आजा। ये ना वैसे से डर के ऊपर ही बैठा हुआ है क्योंकि ये नीचे आता होगा और वसी इसको तंग करता होगा, है ना। नो ये नहीं, ये नहीं, ये चीज़ें मुझे चाहिए। अच्छा गाइस मास्टर गाइस के अंदर काम ख़त्म हो गया, मैंने बाकी बच्चों को भी पानी दे दिया, बस इधर आ जाओ, उधर नहीं मैं जा रहा। अच्छा वसी को लग रहा था दोबारा मैं उधर जा रहा हूँ। अब जो हमारा काम है ना गाइस, ये देखें हमारा रहमान, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये हमारा रहमान, ये देखें ये आ गया वसी। ये देखो आपके पास नहीं ना आता, मेरे पास आ गया, आपके पास नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि आप इसको करते हो तंग। जो बसी के पास चल गया, ये देखें अंदर चला गया, फिर दरवाजे पे जाके बैठ गया, और देखें गाइस वो बैठ गया। हाँ जी वो बसी देखें क्या कह रहा है गाइस, क्या इसको आपके कंधे पे बिठाऊं, एक मिनट, ये जैको इधर आ, जैको मुझे भी तंग करेगा, जैको को समझ आ गई है मैं क्या करने लगा हूँ। जैको इधर आ जाओ, ये देखें गाइस अब मुझे भी तंग करने लग गया, जैकू इधर आ जाना बच्चे, ये लो ये चल ओके चल। अच्छा गाइस मैं रहमान का आप लोगों को बता रहा था, रहमान का सीन ये है, आपको इसका घर नज़र आ रहा होगा, रहमान का घर इतना गंदा हुआ हुआ है। ये देखें अंदर से रहमान बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और इधर से देखें धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। ये वजह ये है, एक तो शीशा भी गंदा है, एक इसका घर भी गंदा है, ये देखें नीचे सारा गंद, पानी भी गंदा है, और इसके घर के अंदर ये देखें कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, ये मैं थोड़ा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये देखें अब नज़र आ रहे हैं आप लोगों को मेहमान, ये देखें गाइस कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, ये इसको बेचारे को काटते हैं। सीन ये है कि इसका घर साफ़ करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, बजरी लग तो अच्छा, मैं इसको आ जाओ रहमान, रहमान मैं इसको बोल रहा हूँ। अच्छा गाइस इसका घर साफ़ करने में बहुत मुश्किल पेश आती है, वैसे तो इसका घर बहुत क्यूट लगता था वाइट कलर में, पहले ग्रीन था फिर वाइट हुआ, अब जो सीन है ना यार मैं तो सोच रहा हूँ इसको सबसे पहले हम वसी, मैं इसको छोड़ो नहीं अब नहीं बिठाना, इसके लिए गाइस मैं लेके आया हूँ ये शीट, अब बिछाने लगे हैं इसके घर में ये शीट,
और अब देखें ये शीट का क्या हाल करता है। शीट का मसला ये होगा गाइस, आराम से इसको निकालेंगे, इसको वॉश कर सकेंगे और इसका घर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो गाइस अब इसकी शीट की कटिंग शटिंग करनी है। रहमान को पहले बाहर निकालते हैं। वसी आप इधर हो जाओ बेटा, आप तंग कर रहे हो ना, इधर हो जाओ, इधर आप उनको तंग नहीं करो। रहमान बच्चे आ जाओ, हाथ पे बैठ जाओ। कैसे हो मिठू, बोल के दिखाओ एक दफ़ा। रहमान बोलो मिठू। अच्छा ये देखें वसी के काम। वसी वसी अंदर रखो, दरवाज़ा बंद करो, चलो इस साइड पे आओ, बंद करो, चलो हो गया बंद। नहीं हुआ ना, एक मिनट मैं करता हूँ इसके काम में। रहमान इधर आओ, इधर आओ, इसके ना। रहमान मिठू बोलो, मिठू मिठू वसी, एक मिनट मैं वसी को पूछता हूँ। रहमान आप इधर जाओ, इधर बैठो। इसको इधर बिठाने की वजह सिर्फ ये है, ये सबको तंग करता है। एक मिनट लाइट ऑन कर लो। अच्छा गाइस जल्दी से इसके घर की सफाई स्टार्ट करते हैं और इसके घर में शीट डालते हैं, इसके घर को ज़रा साफ़ करते हैं और वापस इसको शिफ्ट करते हैं। ओके रहमान आप इधर बैठ के देखो और जैक इधर बैठ के देख रहा है। गाइस कितना मज़ा आता है जब परिंदे आस पास ऐसे उड़ते हों, इधर उधर घूमते हों, बस पूरे घर के अंदर परिंदे खुले हों, सबसे बेस्ट सीन है। बस इनकी पोटियाँ छोटियाँ ये जो बिठें करेंगे ना वो बड़ा तंग करेंगे। फाइनली काम ख़त्म हो गया है, बहुत मेहनत लगी है कि काम ख़त्म करते 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 टाइम पता है क्या हो गया, मतलब सुबह के 6 बज रहे हैं और बाहर जो है वो सुबह होने लग गई है। सारी रात से गाइस लगा हुआ हूँ काम करने में, व्लॉग कंप्लीट करने में, आप लोगों को सारा पता है, एक सेकंड भी नहीं मैं सोया। तो गाइस फाइनली ये काम हो गया ख़त्म और रहमान भाई वो वेट कर रहे हैं और ये देखें दोस्तों सारा काम ख़त्म हो गया और फाइनल लुक उसके घर की फिर से चेंज हो चुकी है। ये फाइनल लुक है माशाल्लाह से। और पहले मैंने खुलजा भाई, पहले मैंने ये चेंज मतलब उतार दिया था, ये देखें रूलर ये उतार दिया था और ये अब मैंने दोबारा से लगा दिया है क्योंकि रहमान इधर उधर पंगे लेने से मैंने सोचा बेहतर ये दोबारा से लगा देता हूँ ताकि ये इधर बैठे इधर इसके साथ पंगे ले, खाने वाली डिशेज चेंज सॉरी ये वही हैं, ये साफ़ करके रख दी हैं, इसमें पानी साफ़ रखती है, एक बॉल वसी ने रख दी है। और गाइस ये सारी फाइनल लुक थी, अब रहमान भाई को उतारते हैं और इसको इसके न्यू घर में शिफ्ट करते हैं। आ जाओ बच्चे आ जाओ, ये क्या बिहेव कर रहे भाई यार, ये इसके काम नहीं अच्छे भाई, तुझे नए घर में छोड़ो, आजा मेरा बच्चा नए घर में चल, आजा 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 बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ये गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। और गाइस रहमान माशाल्लाह से एक और लव सीख गया, अल्लाह हू बोलने लग गया,
तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको इसकी सॉरी इसकी आवाज़ बहुत जल्दी सुनाऊंगा जब ये बोल रहा होगा अल्लाह हू। तो इसको अब इसके घर में छोड़ो, एक मिनट ये खुद भी काफ़ी तरसा पड़ा है अपने घर में जाने के लिए। ये लो बेटा अपने न्यू घर में, जाओ अंदर। अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि यार एकदम से मेरा घर चेंज हो जाता है, ग्रीन वाइट और अब ये मिक्सा कलर हो गया, तो ये काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहा है। चलो बेटा क्या हुआ, चेंज लग रहा है घर, जाओ ऊपर चले जाओ, जाओ ये जाएगा इधर से। ये देखें ये चला गया अपने घर में, इसको करते हैं बंद। खाना मैंने अभी नहीं दिया इसको, खाना इसको एप्पल देते हैं। एप्पल इसको ज़्यादा नहीं दे रहा क्योंकि गाइस ये खाता कम है और वेस्ट ज़्यादा करता है। ये बच्चे पकड़ लो बेटा, बल्कि नहीं यार यहाँ पे हमें रखना चाहिए, इसकी खाने वाली डिश पर रखना चाहिए। चलो बेटा अब तुम यहाँ से जाके खा सकते हो और अपना घर इंजॉय कर सकते हो। गाइस इसका घर कैसा लग रहा है प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस मुझे याद आया एक सिस्टर का कमेंट आया था कल की वीडियो पे, जो कवा हमने रेस्क्यू किया था उस वीडियो पे आया था गाइस, दुआ अहमद फ्रॉम गुजरांवाला, वो सिस्टर ने कमेंट किया कवे के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। तो सिस्टर जी कवा तो अब हमारी जू लाइफ में, हमारी जू लाइफ से जा चुके हैं। वजह मैंने आप लोगों को बताई है कि वजह मुझे भी नहीं पता चली, क्योंकि कल सुबह उसको पकड़ा है और उसको यहाँ पे अपने घर लेके आए और ला के उसको छोड़ा है। छोड़ के नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैंने उसको देखा है तो वो हमें छोड़कर जा चुका था, मर गया था। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसकी केयर कर सकूँ, उसको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह उसका करवा सकूँ, उसकी टांगों का कुछ कर सकूँ, मुझे कुछ भी मौका नहीं मिला। तो मेरे हाथ में नहीं था ये सब, अल्लाह के हाथ में था। तो थैंक यू सो मच दुआ अहमद, आपने कमेंट किया, ऐसे मज़ीद आगे भी कमेंट करते रहना। और जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मेरी मेहनत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। सारी रात यार मैं एक वीडियो बनाने में लग गया, अब इस वीडियो को एडिट करना, ये करना, वो करना, यार इतनी मेहनत लगती है, प्लीज़ सपोर्ट कर दो यार, इतने टाइम से लगा हुआ हूँ तो आपकी सपोर्ट की यार बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे दो रातें और मैं जा के काम कर सकता हूँ। जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और हमारे चैनल जू लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।